सो वेल, हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाटा पोस्टर। आज हम आपको बताएंगे कि आपके जब किसी के वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा। तो आज हम इस टॉपिक पर पूरी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो में इन तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, दिस इज अनुज यादव, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। अगर आपके वीडियो पे जब कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ती है तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा। जब किसी भी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो उस वीडियो में आपको ये पता होना चाहिए कि किस लिए हमारी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। अगर आपने किसी का पूरा कंटेंट कॉपी किया है तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी दूसरे का पूरा कंटेंट उठाकर कॉपी कर दिया है, तो इससे नहीं होता है। आप देखते होंगे जो डांस वाले चैनल होते हैं तो उन पर सॉन्ग यूज किया जाता है, तो उनके चैनल का मोनेटाइजेशन क्यों इनेबल हो जाता है। आपको ये एक बात हम बता दें कि जब आप किसी का कोई क्लिप, सॉन्ग, म्यूजिक कुछ भी यूज करते हैं तो आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है। तो इससे आपके वीडियोस पर केवल अर्निंग कट होती है, वो भी अर्निंग कट होगी सिर्फ सॉन्ग की। जितना सॉन्ग से अर्निंग होगी उतनी ही आपकी वीडियोस की अर्निंग कटेगी, क्योंकि आपका पूरा कंटेंट ओरिजिनल है और साथ में आपने म्यूजिक कॉपी किया तो म्यूजिक का ही अर्निंग कटती है। इससे आपके मोनेटाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब आप किसी का पूरा कंटेंट कॉपी करते हैं तो आपके चैनल पर असर पड़ता है। आप साइड में देखते होंगे कि हमारे दो वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आया क्योंकि हमने किसी दूसरे का सॉन्ग यूज कर लिया है, इसलिए हमारे दो वीडियोज़ में कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो दोस्तों, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो हमारा चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको इससे कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो आपके चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। अगर आप किसी का पूरा कंटेंट कॉपी करते हैं तो आपके चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा। अगर जब आप वो वीडियो डिलीट कर देंगे अपने चैनल से तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन भी ये कहती है कि आप किसी का वीडियो, उसका कोई सॉन्ग, म्यूजिक यूज कर सकते हैं, वो भी छोटा था। तो दोस्तों, इससे आपके चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप किसी का म्यूजिक सॉन्ग यूज कर सकते हैं, सिर्फ आप किसी का पूरा कंटेंट मत कॉपी करना। यूट्यूब गाइडलाइन आपको ये भी देखती है कि आपका पब्लिक का रिएक्शन किस तरह का है। अगर पब्लिक का रिएक्शन आपकी वीडियोस पे अगर सॉन्ग का है तो अगर जब आप किसी का सॉन्ग यूज करते हैं अपनी वीडियोस में तो पब्लिक का रिएक्शन देखा जाता है कि आपका रिएक्शन किस तरह का है, कि आपकी रिएक्शन कब कि आपकी वीडियोस पे है कि सॉन्ग पे है। तो दोस्तों, इसलिए आपकी वीडियोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में जल्द ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक कर दें, साथ में सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।